एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की डिटेल को कवर करेंगे जो कि परमानेंट निकल के आई है। और ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है DSSB दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से निकल के आई है। PhD की पोस्ट, जिसमें ये जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की है वो 1-9 जनवरी 2024 से शुरू होगा और क्लोजिंग डेट इसका 7 फरवरी 2024 तक रहने वाला है। और यहाँ पे जो वैकेंसी नोटिस है ये आउट हुआ है 22 दिसंबर 2023 को, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो PGT की ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे सारे कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें PGT हिंदी, PGT फीमेल, मेल फीमेल दोनों हिंदी की निकाली गई हैं यहाँ पे वैकेंसी। जिसमें देखिए PGT मेल में कितनी सीट है, टोटल एक सीट है। अब PGT फीमेल में 4 सीट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करती हुई आऊँगी तो आप अपना डिपार्टमेंट देख लीजिए। स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से ही मैं स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट प्लस PhD अपडेट देती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी तो यहाँ पर जो टोटल सीट हैं वो है 126, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे स्पेशली हिंदी का अपडेट देती हूँ, तो हिंदी की ही अपडेट में इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ। एडवर्टीज़मेंट नंबर ये है और यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल के लिए जो निकाली गई है पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज मेंशन है नंबर ऑफ वैकेंसी, ये तो काम की नहीं है। बस यहाँ पे नीचे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, इसको देखिए आप। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगिए, अगर आपने मास्टर कर रखा है अपने हिंदी सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल हैं। और दूसरा आपका यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन, मास्टर कर रखा है प्लस BEd कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आपने BEd नहीं कर रखा है तो यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है नोट में कि रिलैक्सेबल, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने BEd नहीं किया है तो आप PhD अगर हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपकी PhD भी नहीं है, BEd भी नहीं है तो आप यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से, यहाँ पे मेंशन कर रखा है देखिए, अगर आपने BEd भी नहीं ली है और PhD है आपकी, BEd भी नहीं है तो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा किससे, BEd से। अगर आप PhD हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं PG प्लस PhD, अगर BEd और PhD दोनों ही नहीं है तो आप, अगर यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर फर्स्ट डिवीज़न से आपने हायर सेकेंडरी और डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब प्लस टू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न से यानी 60% मार्क्स से पास किया है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आपको पोस्ट मिल जाती है तो यहाँ पे देखिए जिस दिन से आपका ज्वाइनिंग होगा, डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग, तो उस डेट से लेके आपको यहाँ पे 3 साल के भीतर BEd करने का ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, देखिए डिज़ायरेबल में नील, एसेंशियल में नील। तो डिज़ायरेबल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का, तब भी अच्छा है, वरना नहीं मांगा। यहाँ पे पे स्केल भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है 47,600, तो काफ़ी अच्छा पे स्केल बनने वाला है साल का ये। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दे रखा है, एज का बिलो 36 ईयर्स एज रिलैक्सेशन,
एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है। तो रिलैक्सेशन एज में किस किस को मिलेगा यहाँ पे मेंशन है, बाकी मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है एज का, साथ ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, वो आप चेकआउट करेंगे। मेरा हिंदी सब्जेक्ट से मैंने आपको अपडेट दे दिया, बाकी आप किसी अदर डिपार्टमेंट के हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि इसकी जो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन होएगा। तो ये 50+ पेज का ये नोटिफिकेशन है जिसको मैंने अपने फ़ोन में खोल रखा है। तो काफ़ी दिक्कत होती है इसको फ़ोन में ऐसे अपडेट देने में, तो जल्दी मैं आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपके लैपटॉप में दिया करूँगी। अभी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसका जो पे स्केल है मेंशन कर रखा है, साथ ही बाकी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो काफ़ी स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा तो आपको आप मिलेगा कि इसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, कैसे अप्लाई करना है। तो इस वेबसाइट का लिंक जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो आपको लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो मेंशन की है 7 फरवरी 2024, और इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये है सभी के लिए। और यहाँ पे जितने भी वुमेन एप्लीकेंट हैं कैंडिडेट, उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है, एग्जेम्प्ट रहेंगे वो। और एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम होगा आपका दो, तो एक तो आपका टेक्निकल का होगा, दूसरा आपका टीचिंग का होगा जो आपका सब्जेक्ट होगा। 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 का ये आपका होने वाला है। तो सेक्शन 1 जो आपका टेक्निकल होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी के, जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, डाटा इंटरप्रिटेशन के, ये 100 मार्क्स के होंगे। और नीचे सेक्शन 2 में आपका 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद आपका यहाँ पे स्कीम क्या रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके थ्रू आप यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, बस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मार्क्स गेन करिए जिससे आप सेलेक्ट होने के आपके चांसेस ज़्यादा हों। नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो एज रिलैक्सेशन दी गई है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट दी है, इसको आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको अपने आज के इस वीडियो में दिया। इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।